अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास टेंथ का टॉपिक जो मेरे स्टूडियो में डिस्कस करने लगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करें वो है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने जेनेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया, इनहेरिटेंस वाला चैप्टर स्टार्ट किया, और इसमें सारी की सारी जो आप बात पढ़ोगे वो डीएनए या जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरी लास्ट वीडियो तक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जीन्स कुछ भी होते, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो वो जीन्स होते हैं, ठीक है। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखते हैं और फिर ये देखेंगे कि डीएनए के कितने टुकड़े, कितने पार्ट का हिस्सा करोगे तो वो जीन कहलाता है। डीएनए, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका जो है वो एब्रीवेशन है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किए, मगर 1953 के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दो साइंटिस्ट थे वो एक था हमारे पास जेम्स वॉटसन और एक थे हमारे पास जी फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ये दो साइंटिस्ट हैं, फिर इन दोनों के नाम को मिला के वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का नाम दिया गया। इन्होंने जो डीएनए का मॉडल प्रपोज किया वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और अभी तक पढ़ाया जा रहा है, तो इस वजह से इसको दोनों को मिला के वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कहा जाता है। दोनों डिफरेंट साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए ये कहता है कि जो डीएनए होता है हमारे पास, वो पहले तो आप लोगों को ये बता दूं ना कि ये एक एनिमल सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक्स शेप जो है वो क्रोमोसोम्स हैं, और बाद में पता चला कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक्चुअली डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास जो डीएनए, अब उसका क्या स्ट्रक्चर है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंगली जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल का मतलब होता है इस तरीके से, ये डबल हेलिक्स है, ट्विस्ट हुई है, दो रस्सियाँ लेके आप उनको आपस में ट्विस्ट कर दो तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और अगर आप इस हेलिकल स्ट्रक्चर को खोलो तो आपको पता चलता है, मीन्स कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसमें इस तरीके से ये चीज़ें, अभी हम सारा देखते हैं कि ये क्या है। खोलोगे तो आपको लगेगा जैसे एक लेडर है, एक सीढ़ी नहीं होती, सीढ़ी की तरह का इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ये है, ठीक है जी। एक ये स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है, बीच में हमारे पास ये स्टेयर्स हैं और फिर इसको ट्विस्ट कर दिया गया तो वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आ गया, ठीक है, स्टेयर की तरह, सीढ़ी की तरह। अब हम देखेंगे वो सीढ़ी है क्या असल में। डीएनए जो है बेसिकली बेटा, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो है ये किससे मिलकर बना हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉली का मतलब होता है मैनी और न्यूक्लियोटाइड अभी हम पढ़ते हैं कि किसको कहते हैं। इसका मतलब है कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, पॉली का मतलब होता है मैनी, न्यूक्लियोटाइड खुद तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। वो क्या है हमारे पास, एक 5 कार्बन शुगर रिंग है, ऐसा रिंग जिसके के 5 कोने, 5 कार्बन शुगर रिंग, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5, ये ज़्यादातर राइबोस शुगर होती है। तो ये हमारे पास क्या है, 5 कार्बन शुगर रिंग है, एक ये है न्यूक्लियोटाइड, तीन चीज़ों से मिलकर बना है, 5 कार्बन शुगर रिंग। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस ऐसी बेसिस हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें के नाइट्रोजन ज़रूर पाया जाता है। और 4 तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस हैं बेसिकली बेटा जी। एक है हमारे पास, ये नाम तो अब आपको याद करने ही करने हैं, एडिनिन, सेकंड इज थायामीन, उसके बाद आ जाता है जी साइटोसिन, एंड 4th इज गुआनिन। एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ये 4 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। देखिए पॉली का मतलब मैनी, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड खुद तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो 5 कार्बन शुगर रिंग, ऐसा रिंग जिसके 5 कोने, दूसरा नाइट्रोजिनस बेसिस हैं एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन, अब इनके बारे में भी बताती हूँ, और 3rd जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है। क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, बस ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं तो हमारे पास बनता है न्यूक्लियोटाइड। पेपर में अगर आ जाता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज़ शुगर रिंग, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। आप लोगों ने 9th में आप लोग ATP पढ़ के, स्ट्रक्चर ऑफ ATP, उसमें आप लोगों ने देखा था एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट था, उसमें एडिनिन था, साथ उसके फॉस्फेट ग्रुप अटैच और एक शुगर था। 9th में आप लोग पढ़ के आए हैं ये चीज़, वो भी एक न्यूक्लियोटाइड ही है, ठीक है, ओके। बेटा बेसिकली बेटा जो एडिनिन है वो हमेशा जो है वो बॉन्ड बनाता है थायामीन के साथ,
और ये डबल बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो कि एडिनिन और थायामीन के बीच में होते हैं। और साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाता है गुआनिन के साथ, और इनमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है और ये भी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। ठीक है, एडिनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बनाएगा। अब अगर हम डीएनए को ड्रॉ करें, मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए एक लेडर की तरह होता है, सीढ़ी की तरह होता है, ये जिसकी ये इसकी बैकबोन है। बैकबोन का मतलब होता है कि जो पिछली हड्डी है जो कि इसको, या पिछली जो वो, ये दोनों बैकबोन्स हैं, ये स्टेयर्स हैं। अब डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, तो बेसिकली बेटा जो बैकबोन है दैट इज़ मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, और ये जो स्टेयर्स हैं वो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। बस ये याद रखना है आपने। कैसे मैं आपको बताऊँ, ये देखिए मिसाल के तौर पर ये शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है उसकी बैकबोन है, अभी मैं ड्रॉ भी करके दिखाती हूँ। ये शुगर और फॉस्फेट है, ये एक सीढ़ी की एक लाइन बन गई, ये शुगर और फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, ये दोनों ये बन गई वहाँ पर बैकबोन, और बीच में यहाँ पर जो है स्टेयर्स जो हैं वो ये बेसिस हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर एडिनिन है तो यहाँ पर थायामीन आएगा और डबल बॉन्ड होगा, अगर यहाँ पर गुआनिन है तो यहाँ पर साइटोसिन आएगा और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर साइटोसिन आ जाता है तो उसका अपोजिट गुआनिन आएगा और ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, और अगर यहाँ पर थायामीन है तो यहाँ पर एडिनिन आएगा और उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो ये एक डीएनए का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद अगर मैं खोल के ड्रॉ करूँ, यही चीज़ है जिसको मज़ीद मैं खोल रही हूँ। देखिए शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर का 5 कार्बन रिंग बनाया और ये फॉस्फेट अटैच हो गया। ठीक है, ये फॉस्फेट अगले शुगर रिंग के साथ अटैच होता है, ये इस तरीके से 5 कोने, फिर ये अगला फॉस्फेट, फिर ये नेक्स्ट शुगर जिसके 5 कोने, और फिर ये फॉस्फेट, ये बन गई बेसिकली बेटा एक बैकबोन। ठीक है, ये वाली सेकंड जो है हमारे पास, इधर अगेन यही बना देते हैं, ये शुगर है उसके साथ फॉस्फेट अटैच है, ये नेक्स्ट शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, फिर ये फॉस्फेट है, फिर ये नेक्स्ट शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, और फिर फॉस्फेट, और इस तरीके से ये बन गई जी दो बैकबोन्स, ये जो मैंने बना दी। बीच में नाइट्रोजिनस बेसिस है, आपकी बुक में नाइट्रोजिनस बेसिस को भी थोड़ा सा मजीद खोल के बनाया हुआ है। एडिनिन का जो होता है, एडिनिन और गुआनिन जो होते हैं ये बेसिकली डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो आप लोगों को भी इतना ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा और बनाते हैं क्योंकि अभी मैंने जीन्स के बारे में भी बताना है। ये शुगर एंड फॉस्फेट है, उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि इसी तरीके से अगेन जो होता है वो शुगर और फिर फॉस्फेट। ठीक है, फिर वहीं वही बात बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर गुआनिन होगा तो यहाँ पर साइटोसिन होगा और ये ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर अगर एडिनिन है तो यहाँ पर थायामीन होगा और डबल, फिर यहाँ पर मिसाल के तौर पर थायामीन आ गया तो यहाँ पर एडिनिन। अच्छा, बेसिकली बेटा हमारे पास ज़रूरी नहीं होता साइटोसिन है तो यहाँ पर गुआनिन है, ज़रूरी नहीं होता कि गुआनिन एडिनिन थायामीन साइटोसिन अलहदा लहदा ही है, कभी कभी हो सकता है कि इकट्ठे एडिनिन 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 के भी पूरा आ सकता है, थायामीन का भी आ सकता है या गुआनिन भी आ सकता है। तो ये अभी डीएनए के बारे में बताती हूँ, मगर एक पहले बात बता दूँ, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये दो इसके स्ट्रैंड्स हैं, और स्ट्रैंड्स को हम लोग बकायदा बताते हैं, इसको कहा जाता है 5' to 3' एंड, और इसे कहा जाता है 3' to 5' एंड। बेसिकली बेटा ये जो 5 के ऊपर प्राइम डैश का निशान है इसको प्राइम कहा जाता है, ये सिर्फ बताने के लिए कि डीएनए स्ट्रैंड की लोकेशन क्या है, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, जब डिवीजन होगी तब हम देखेंगे कि ये इसकी जो 5' to 3' स्ट्रैंड की जो लोकेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग बेसिकली बता रहे हैं। तो ये 5' से 3' की तरफ मूव कर रहा होता है, और ये 3 से 5', ये बस इसके एक स्ट्रैंड की हम लोगों ने एक स्टार्टिंग या लोकेशन बताई हुई है। ओके, उसके बाद ये एक बैकबोन है, ये एक बैकबोन है, उसके बीच में ये स्टेयर्स हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन, ये टोटल जो है हमारे पास ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को काट दो और इतना काटो कि हर एक उसमें 3 3 बेसेस आए, तो इसको कहा जाता है जीन। जीन्स जो होती हैं खुद कुछ भी नहीं होती, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और इतने छोटे टुकड़े कि हर टुकड़े में 3 बेसेस जो हैं, 3 नाइट्रोजनस बेसेस आ जाएंगी। तो मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर ये एक नाइट्रोजनस बेसिस आ गई, यहाँ पर ये ना कोई भी नाइट्रोजन, एडिनिन आ सकती है, थायामीन आ सकती है, गुआनिन या साइटोसिन, एडिनिन, थायामीन, या थायामीन 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 भी आ जाता है। ये जीन्स हैं, ये जीन्स हैं जो कि असल में पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर की, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। डीएनए टेस्टिंग आप लोगों ने देखा होगा कि जी आखिरी जो हल रह जाता है वो ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा दो कपल्स हैं जो ये क्लेम करें कि उनका बेबी जो है वो ये कहेगा कि एक है तो मेरा बेबी, दूसरा कहेगा ये मेरा बच्चा है, तो कैसे पता चलेगा? डीएनए मैच होता है बेसिकली। डीएनए जो होता है दोनों का ब्लड सैंपल लिया जाता है, माँ का भी बाप का भी, और उसके बाद बच्चे का भी लिया जाता है।
एक और मज़े की बात के बेटा, सिर्फ डीएनए जो होता है वो ब्लड में से नहीं लिया जा सकता, इवन आपका स्किन का एक सेल भी मिल गया, आपका बाल भी मिल गया, उसमें से भी डीएनए जो होता है वो कलेक्ट हो सकता है, फिर उसको मैच किया जाता है। तो जिस कपल का उस बच्चे के साथ मैच करने का क्या मकसद होता है कि देखिए फादर का अलग डीएनए, मदर का अलग डीएनए, मगर जो चाइल्ड का डीएनए होगा उसमें कहीं ना कहीं ये जो बेस सीक्वेंस है वो एक जैसा आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मदर का जो बेस सीक्वेंस है वो CAT गुआनिन एडीनिन इस तरीके से है और फादर का बिल्कुल डिफरेंट है, मगर चाइल्ड का पूरा डीएनए डिफरेंट होगा, मगर कहीं ना कहीं पर ये वाला पूरा सीक्वेंस आ जाएगा CAT GA। तो इससे पता चलेगा कि जी हाँ ये जो बच्चा ये इस कपल का है। तो डीएनए टेस्टिंग का ये मतलब, तो डीएनए इस तरीके से मैच करता है कि किसी भी रिलेटिव का खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, या ज़्यादातर जब होता है कि जब जहाज़ का क्रैश होता है तो उसमें खुदा ना बहुत कम होता है कि बॉडी पूरी मिले क्योंकि वो 90% तकरीबन जल चुकी होती है। तो जो बेटा उनके जो जो छोटे छोटे बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं उनको कलेक्ट करके फिर उनके किसी रिलेटिव के साथ मैच किया जाता है, कोई बहन भाई ले लिया जाता है, क्योंकि बहन भाइयों का भी डीएनए कहीं ना कहीं पर आके इन बेसिस की वजह से मैच करता है। तो अब आपको पता चला कि डीएनए टेस्टिंग में असल में होता क्या, जब डीएनए टेस्ट किया जाता है तो उसमें जो नाइट्रोजिनस बेसिस है उनका सीक्वेंस चेक किया जाता है, क्योंकि जो क्लोजली रिलेटिव्स होते हैं या बहन भाई भी होते हैं बेशक उनका डीएनए मुख्तलिफ है, मगर कहीं ना कहीं पर एक पॉइंट पर जाकर कोई ना कोई बेसिस मिल जाती हैं जिससे पता चलता है कि ये इसका जो है वो रिलेटिव है, ठीक है। और बेसिकली बेटा ये अब सीधा स्ट्रक्चर है, इसको आप हेलिक्स में ले और ट्विस्ट करते हो तो वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे कि ये, या इसी को देख लीजिए, ये बैकबोन और नाइट्रोजनस बेसिस को जब आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ले आते हो तो ये डीएनए, ये अगेन ये शुगर एंड फॉस्फेट है, और ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थायामिन। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे, मगर आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।